सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर पार्ट टू के बारे में। प्रश्न संख्या 103 से शुरू करेंगे आज हम। तो प्रश्न संख्या 103 है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है साथियों, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जिसका उत्तर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। जी हाँ, काजीरंगा असम में स्थित है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 107 के बारे में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सिप्रा। जी हाँ, सिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? जिसका उत्तर है चांदी। चांदी बिजली की सबसे सुचालक धातु है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। जी हाँ, 6 वर्ष। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 113 के बारे में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की। वीडियो में बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दत मार्तंड। तुलसीदास कृतमान चरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। लुसेंट के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात करते हैं, पूरा पूरा आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। प्रश्न संख्या 117 के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, प्रश्न संख्या 117। हरियाणा में राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में। जी हाँ, 1896 में यूनान के अंदर हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर है हॉकी। हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मास्को में। जी हाँ, मास्को में 1980। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। जी हाँ, ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसके अंदर 5 गोले होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 128 के बारे में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मलेश्वरी। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? बैक टू वेद्स, महर्षि दयानंद। जी हाँ, महर्षि दयानंद। लाइक जरूर करें साथियों, हमारा हौसला बढ़ाएं। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। जी हाँ, पशुओं के अंदर एक बीमारी होती है जो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, उसका नाम है मिल्क फीवर। जी हाँ, मिल्क फीवर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। जी हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 135 के बारे में। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 135 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्लिम खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? सहनाई। जी हाँ, सहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी। जी हाँ, राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात षड्यंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। जी हाँ, हिमाद्री।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ध्रुव सभी दिशाओं एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। जी हाँ, जेम्स प्रिसेप। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 145 के बारे में। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह था। जी हाँ, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 147 के बारे में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। जी हाँ, लाला हरदयाल गद्दर पार्टी का संस्थापक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 152। 150 प्रश्नों तक हम बात कर चुके हैं और इसका पार्ट फर्स्ट जो कल अपलोड कर दिया गया है, आज हम देख रहे हैं पार्ट टू। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951। चीनी यात्री हेंगवेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है, किसी को भी वो रक्त दे सकता है, सर्वदाता। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 157 के बारे में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर किसी को मिल सके। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जिसका उत्तर है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। जी हाँ, टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका उत्तर है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रति सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिक्स ने। जी हाँ, कॉपरनिक्स। 160 प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं। ये हम जो प्रश्न बता रहे हैं आपको, ये लूसेंट किताब के सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। जी हाँ, अमृतसर पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर स्थित है। जी हाँ, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ये जो प्रश्न है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और रिवाइज कीजिए, साथ साथ में नोट करते रहिए प्रश्नों को ताकि आपको याद होने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 167 के बारे में। शिक्षा संबंधी हर संभव प्रयास करेंगे ताकि आपको हर न्यूज पहुंचा सकें। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा यूपी। जी हाँ, ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है खेल दिवस। किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहलाते हैं ये, उनकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जी हाँ, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, स्किप ना करें। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लोटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, तो कृपया ध्यान से देखें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने।
मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिया था। जी हाँ, मंगल पांडे। सरप्रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना और कितना बाजू ए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 190 के बारे में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म क्षेत्र के अंदर। भारत का सर्वोच्च वीरता पदम का नाम क्या है? परमवीर चक्र। वीरता के लिए सर्वोच्च पदक है ये। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस के निवासी थे, जिन्होंने अंतरिक्ष पर पहली बार कदम रखा था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975 के अंदर। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया 1975 के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 201 के बारे में। गंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय ग्रंथि। 200 प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं। डूरिड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। जी हाँ, डूरिड कप है जो फुटबॉल के में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। जी हाँ, हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा है जो युआन कहलाती है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जो कौटिल्य कहलाते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के अंदर। और दक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल। दक्षेश के में कितने देश के सदस्य होते हैं? जिसमें 8, जिसमें भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है आदि। भारत की तटरेखा की लंबाई है जो 7516 किलोमीटर है। और विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। अवरक सर्वाधिक भारत में पाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। जी हाँ, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डिस्कवरी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में ही होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। जी हाँ, रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। खून बहना नहीं रुकेगा इसकी कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। जी हाँ, बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल।